तो आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो कि हमने बनाया अरुई के पत्तों से और चने की दाल से हमने बनाया है इसको। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर ये तैयार होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो हमने आज बनाया है, देखिए कितनी टेस्टी सब्जी हमारी बनकर के तैयार है, बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। प्रियंका कुकिंग रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने यहाँ पर मैंने चने की दाल लिया है एक कटोरी, इसको मैंने भिगो करके रात भर के लिए रख दिया था। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 4 से 5 घंटे में आराम से ये फूल जाता है, फूल जाएगी दाल। तो मैंने उसको भिगो करके रख दिया था और सुबह मैं इसको बड़े अच्छे से मैंने पीस लिया है, बिल्कुल महीन आपको पीसना है इसको। और इसमें हम ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने अरुई के पत्ते लिया है, जिसको अरबी भी बोलते हैं, तो उन्हीं के पत्ते मैं ली हूँ यहाँ पर देखिए। तो मैंने उनको भी अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ पर दाल भी हमने, इसमें हम सिर्फ नमक मिलाएंगे और हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे इसमें। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बना करके। तो देखिए मैं यहाँ पर नमक को मैंने अच्छे से मिला लिया है दाल में, और दाल आपको महीन पीसना है, मोटा नहीं पीसना है। तो अब हम लेंगे पत्ता, अरबी के पत्ता लेंगे इस तरीके से, और जितने पत्ते आपके मुलायम होंगे उतना बढ़िया आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो जब भी आपके पास सब्ज़ी ना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो हम क्या करेंगे, इन पत्ते में एक एक करके पत्ते में अच्छे से हम लपेटते जाएंगे। तो ये देखिए ज़्यादा मोटा हमें नहीं लपेटना है, हमें पतला पतला ही इसमें फैलाना है दाल को। अब हम लेंगे दूसरा वाला पत्ता, उसको भी इसी तरीके से हम फैला देंगे। तो आपको 3 से 4 पत्ते को ऐसे ही फैलाना है, ऐसे ही लपेटते जाना है, फैलाते जाना है, जितना मोटा आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। तो पतला पतला ही दाल हमें लगाना है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना इसमें दाल, नहीं तो बहुत मोटा हो जाएगा। इसी तरीके से हमने फैला लिया एक पत्ते, फिर हम इसमें एक ऊपर से रखेंगे और फिर से सेम उसी तरीके से हम दाल को फैलाएंगे इसमें। इतना टेस्टी बनता है कि आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही टेस्टी बनता है इसकी सब्ज़ी। बहुत से लोग बेसन से भी बनाते हैं, अगर दाल नहीं है तो बेसन से भी बन जाता है। बेसन को आपको मसाले मिला करके अच्छे से उसको भी आप गाढ़ा गाढ़ा से उसका बैटर बना ले, और इसी तरीके से लपेटते जाना, और आपका बेसन से भी ये बन सेम इसी तरीके से करेंगे, बेसन का भी बन जाता है। तो मैं यहाँ पर चने की दाल को मैंने बनाया है, चने की दाल का उसको मैंने भिगो करके पीसा है, बेसन से भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से आप बना लीजिए, बेसन का भी बन जाएगा। बस आपको जो बेसन का बैटर होगा अच्छे से इसी तरीके से गाढ़ा और ना ही ज़्यादा गीला बनाना है, इसी तरीके से बना करके उसको भी इसी तरीके से लपेटते जाएंगे। और पत्ते जो है आपको जितना मोटा चाहिए आप फैलाते जाइए, बेसन का भी बन जाता है। तो मैं यहाँ पर दाल का बना रही हूँ, दाल का ज़्यादा टेस्टी मुझे लगता है। तो मैं जब भी अपने घर में बनाती हूँ मैं दाल का ही बनाती हूँ, बेसन का मैंने अभी नहीं बनाया है। तो इसी तरीके से हम जितने हमारी दाल है और जितने हमारे पत्ते हैं हम इसी तरीके से लपेटते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो हम 3 या 4 पत्ते 3 या 4 5 जितना आप लपेट चाहें आप लपेट सकते हैं उसको। और उससे क्या करते हैं कि इसको इसी तरीके से लपेटते जाते हैं और इसको
भाप में पकाते हैं, तो हम भाप में नहीं पकाते हैं, हम इसको सीधा यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चार पीस जो हैं बनी हैं, तो हम भाप में नहीं पकाएंगे, हम इसको डायरेक्ट तेल में पकाएंगे। तेल वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाप में पकाते हैं, फिर उसको उसी तरीके से काटते हैं, फिर उसको तेल में तलते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि डायरेक्ट हम तेल में तल लें, इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और टेस्टी भी बनेगा और हमारा काम भी जल्दी होगा। तो मैं एक साथ डाल दी हूँ चारों को और हम इसको पका लेंगे। तो एक तरफ से इससे गया है, हम इसको पलट देते हैं दूसरी तरफ। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से पक गया है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे से पक गया है ये, तो मैं निकाल लेती हूँ इनको। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, शेयर ज़रूर से कर देना। इधर मैंने दूसरी कढ़ाई पर सरसों का तेल डाला है और इसमें हमने लहसुन बारीक काट करके और प्याज मैंने लंबी लंबी काट लिया था, इसको हमने डाल दिया है और इसको भी हम पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी अच्छे से पक गई है और अब हम डालेंगे मसाला। तो ये मसाला मैंने सिलबट्टे में पीसा है, इसमें मैंने धनिया, लाल मिर्च और खड़े गरम मसाले मैंने पीसा है, और इसी के साथ मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया है। और इसमें खड़े मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप सब्ज़ी में जब भी बनाएं सिलबट्टे का मसाला पीस करके डालते हैं हम ताज़ा ताज़ा, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादातर के सिलबट्टे का मसाला ही पीसती हूँ, उसी को ही डालती हूँ, खड़े मसाले ज़्यादा यूज करते हैं। और तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले पीस लिया था एक साथ जो मैंने डाल दिया है, और अब हम इसी के साथ डालेंगे। मैंने हल्दी नहीं पीसी थी तो मैं हल्दी डालूँगी इसमें, तो ये मैंने हल्दी डाल दिया। और डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक इसमें, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, पूरा भरा नहीं है, स्वाद के अनुसार नमक डालना है आपको। अब मसाले को हम अच्छे से पकने देते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है जो इसमें मैंने खड़े मसाले डाला है, जैसे खड़ी बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, गोल मिर्च है, जीरा है, जो भी खड़े मसाले में आते हैं वो मैंने सारे मसाले इसमें डाला है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के बाद कितना बढ़िया हमारा मसाला पक चुका है, बहुत ही अच्छे से, देखिए तेल भी छोड़ दिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है ये इस तरीके से सब्ज़ी। तो यहाँ पर हमारे मसाले का अच्छे से तेल भी छूट गया है, देखिए अब इसमें पानी डालेंगे। तो मैं 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसमें उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे, इसमें हम चावल के साथ भी खाएंगे। तो ये थोड़ा सा रसेदार ही अच्छा लगता है। तो इसमें हम डालेंगे पानी, जितना हमें ज़रूरत होगा हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है और पानी में उबाल आने देते हैं, और इधर हम इनको पीस में काट लेते हैं। तो ये भी अब ठंडे हो गए हैं, देखिए कितना बढ़िया से पका हुआ है और ठंडे भी हो गए हैं, तो हम इनको काटेंगे। अब जितना छोटा पीस आपको काटना है आप काटिए अपनी पसंद से। तो मैं इतने बड़े बड़े से पीस काट रही हूँ इसके, देखिए कितने बढ़िया से पक गया है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी, एक बार ज़रूर से ट्राई करना।
देखिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से काट दिया, बहुत ही बढ़िया से बना है, पका हुआ है अंदर तक बहुत ही अच्छे से। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, ये अच्छा लगता ऐसे ही खाने में, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है ये, क्योंकि हमने इसमें अच्छे से पकाया है तेल में। देखिए फ्राई किया है, कितनी बढ़िया से लेयर इसकी बनी हुई है, जो हमने 3 से 4 पत्ते लपेटा है, बहुत ही अच्छे से बनी हुई है लेयर। आप इसको अच्छे ऐसे ही खा सकते हैं, बच्चे भी, बच्चे तो इसको सारा ही खा जाएं अगर दे दो तो, उनको बहुत ही पसंद आएगा ऐसे खाने में। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो हमने डाला था वो पानी में उबाल आ चुका है, अब हम डाल देंगे उसी में, एक एक करके पीस हम डाल देंगे। और इसको हम डाल देंगे और ढक देंगे, इसको हम ढक करके 4 से 5 मिनट हम इसको ढक करके पकाएंगे, ताकि जो भी अच्छे से हमने ये डाला है उसमें अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाए और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ढक करके। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट हो गया है और मैं अब इसको दिखाती हूँ, ये अच्छे से पक गया है। देखिए पानी भी, जितना हमने पानी डाला था वो भी कम हो गया है, देखिए पकते पकते। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं, अभी रखेंगे ये, जब ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इतना ही पानी इसमें उतारेंगे। यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने बाहर निकाल लिया, अब देखिए सब्ज़ी कितनी बढ़िया से बनी हुई है, अब मैं निकाल करके दिखा दूँ। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, ये जब ठंडा होगा तो और भी ये गाढ़ा हो जाएगा, और चावल के साथ तो ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है, तो हम चावल के साथ भी खाएंगे, इसीलिए मैंने इतना पानी इसमें डाला था। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई है, आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना, और सिलबट्टे का मसाला ही इसमें डालना, हो सके तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है, एक बार ज़रूर से बना करके खाना। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ, तो चलिए तब तक के लिए बाय करते हैं।